लोकसभा चुनाव के चुनावी शोर में जनता की समस्याओं का मुद्दा लगातार उठ रहा है। प्रयागराज में सड़क नहीं तो वोट नहीं पर लोग अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इरवो कॉलोनी के लोगों में टूटी सड़क को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। सड़क तकरीबन 10 साल से लटकी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए हमारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की इरवो कॉलोनी के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वे लोकसभा चुनावों में वोट नहीं डालेंगे। दरअसल लोग कॉलोनी की टूटी सड़क से परेशान हैं, उनकी ये मांग तकरीबन 10 साल से लटकी हुई है। यहाँ पे जो है 2014 से लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं कि रोड बन जाएगी, रोड बन जाएगी, लेकिन 2014 से हम लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन आज तक रोड नहीं बना। और हम जब आते हैं इलेक्शन का समय होता है, लोग आते हैं और हम लोग उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, घूमते हैं कॉलोनी में, सबको वोट देने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, बस कह के चले जाते हैं लोग और वोट लेने के बाद और रोड वगैरह पे कुछ काम नहीं कराया है। बहुत दिक्कत परेशानी होती है हम लोग को। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं इस रोड से, बारिश के मौसम में इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि यहाँ से निकलना, आना जाना, बैठना बहुत कठिन हो जाता है। सिर्फ एक बार रोड बनी है और उसके बाद यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, और जब रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तब हम सब लोग चंदा इकट्ठा करके किसी तरीके से यहाँ की रिपेयरिंग कराते हैं कि वो रोड निकलने लायक हो जाए। लोगों की शिकायत है कि चुनाव नजदीक आते ही नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन सड़क बनवाने का वादा पूरा नहीं करते। चाहे वो योगी जी के कितने भी लोग आते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्या जी आए, केसरी देवी आई, और इतने लोग आते हैं और देख करके चले जाते हैं, फिर भी बस एक आश्वासन देते हैं कि नहीं, यहाँ रोड बनेगी, आप लोग वोट कीजिए, भाजपा को दीजिए। लेकिन यहाँ के पूरे कॉलोनी वाले सब लोग भाजपा के ही मतलब मतदान फेवर में हैं, लेकिन ये काम होता नहीं है हम लोगों का। जब इलेक्शन का समय आता है तो नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, जब सड़क की बात की जाती है तो कह देते हैं कि भाई अभी तो संहिता लग गई है, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है हम सड़क आपकी बनवा देंगे। सड़क की अवस्था तो निश्चय ही बहुत ख़राब है, खुद भी देख के कहते हैं, पानी में डूबते हुए भी आते हैं कॉलोनी में। मैंने खुद पर्सनली, मैं पूर्व अध्यक्ष का, इस कॉलोनी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, मैंने सिद्धांत सिंह को अप्रोच किया, दो बार अप्रोच किया कि भाई ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। एक केसरी देवी पटेल भी आई थी यहाँ पर, ये सब नेता आते थे, आ करके हमको आश्वासन देते साहब आपकी बना देंगे। सिद्धांत सिंह जी ने कह दिया साहब सेंक्शन हो गया, 80 लाख समथिंग हो गया है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं होगा। बीजेपी नेता गणेश केशरवानी पिछले साल प्रयागराज के मेयर बने थे, वे भी मानते हैं कि शहर के कुछ इलाकों में सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और प्रयागराज में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में बहुत ही व्यापक विकास के काम हुए हैं। हाँ, ये बात ठीक है, कई जगह पर कुछ कुछ काम अभी बाकी है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व पर भागीदारी करें, वोट करें, मतदान करें, और जो सड़कें नहीं बनी हैं भविष्य में उनको बनाने का हर संभव प्रयत्न और प्रयास किया जाएगा। ऐसी कोई सड़क नहीं रहेगी जो ना बने। इरवो कॉलोनी के लोग बारिश के मौसम में घरों में पानी घुस आने से भी परेशान हैं।